करने वाले हैं। यस, चलो छोटा सा ब्लॉग है, कुछ कुछ दिखाएंगे आपको। तो हम लोग टेरेस के ऊपर इसलिए चले गए थे क्योंकि हम लोग चाहते तो सीढ़ी के पास भी छोड़ सकते थे या घर के नीचे भी, बट टेरेस में खुला जगह में छोड़ना बेटर रहेगा, कुछ चोट भी नहीं लगेगी और टेरेस काफ़ी बड़ा है तो आराम से हम लोग पटाखे सारे जला सकते हैं। मैं ना इसके सर के ऊपर से भूल से चला गई थी, ये बोली यार अन्ना मेरे आप बाल जला दोगे, मैं बोली नहीं जलाऊ। उसके बाद ममता जाग गई मेरी, मैंने बोला आओ 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 चलो मेरे पास आ जाओ। उसके बाद फिर से मैं बन गई बच्ची, बच्ची से ज़्यादा मैं उछल रही हूँ और बच्ची यहाँ पर शांत है पटाखा छोड़ने में। ये एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है सिमरा और मैं, हम लोग दोनों ही पटाखा अच्छे से छोड़ रहे थे। और एक बड़ी बच्ची आपको नजर आएगी जिसका नाम है आयरा, वो बहुत डरू है, वो बहुत डरती है सबसे। देखो अब एक से भले दो छोटे बच्ची ने लिया एक फुलझड़ी, उससे जला लिया दूसरे फुलझड़ी और मुझे देखो मैं ऐसे जला रही हूँ इसको कि लग रहा है अब बंद हो जाए ना ये कैंडल, तो इसको भी मैं जला रही हूँ। और देखो वो देखो पीछे में चुप से खड़ी होकर वो देख रही, इतना उसे डर लगता है ये सबसे। देखो भाग गई एट द एंड वो। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे पटाखे छोड़े बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ अंधेरा बहुत थी और हम लोग इन्जॉय इतने कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ले पाए। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग खूब इन्जॉय किया। और आगे अब मैं अपने हस्बैंड को बोली कि चलो आप भी कुछ जलाओ निकालो कुछ पटाखे, तो उन्होंने निकाला ये वाला और अब वो बोले कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं जला के दिखाऊंगा, बट ये बंद हो गया और इनसे जला नहीं, हो गया इनका पोपट। तो फिर से ये आगे बढ़े, कैंडल जहाँ रखा हुआ था बोले कि आज तो मैं जला के दिखा के ही रहूँगा। आप ही बोली कि चलो हटो अब मैं ही जला के दिखा देती हूँ, इसको जलाया कैसे जाता देखो चुटकी में मैं जला दूंगी। और हाँ सचमुच जल्दी से आप ही जला दी ये वाला। फिर या ये जलने के बाद ना घूमने रही थी, फिर आप ही ने इसको एक लात मारा और ये देखो इस तरह सा घूमने लग गया ये बड़ा अच्छे से। फिर मेरे हस्बैंड बोले ऐसा हो ही नहीं सकता मैं भी जला के दिखाऊंगा, फिर इन्होंने जलाया। उसके बाद ये अनार हम लोग जलाए, ये वाला मुझे बहुत पसंद है और रॉकेट मुझे बहुत पसंद है ये, और बड़ा वाला अगर लाते हम लोग तो ये और देर तक जलता। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अब जला रहे हैं इसको और इससे लगाने वाले हैं फुलझड़ी पे आग, नहीं ये रॉकेट है, हाँ फुलझड़ी से रॉकेट में आग लगाए और ये रहा बम, बड़ा मजा आया था ये सब। तो बस गाइस अंधेरा बहुत हो रहा था तो हम लोग थोड़ा बहुत पटाखा छोड़े और बहुत ही कम शॉट्स हम लोग लिए, ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए। तो अब हम लोग घर आ गए हैं और घर आने के बाद देखो सब थके हारे सब सो गए आके, यहाँ पर ये भी है एक और मैडम है देखिए, तो सब थके हारे इस तरह से लेट चुके, मेरे लिए जगह नहीं है, मैं कहाँ सोंगी, यहाँ यहाँ इतना जरा में हो जाएगा जगह बोलो। तो अब होने वाली है फुचका पार्टी, तो फुचका पार्टी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग फुचका खा रहे हैं। हम लोग सबको ना फुचका खाना बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड का नेक आदत है जब भी वो फुचका लाते हैं ना तो इस तरह से वो जो फुचका वाले भैया के पास पत्ते रहते हैं ना ये लेकर आते हैं। मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये वाले पत्ते में खाने से ना फुचका का टेस्ट ही कुछ और लगता है। और हम लोग के घर में दो बाबू भी आई हुई थी छोटी छोटी बच्ची, तो उन लोगों को भी हम लोग दे दिए वो वाले पत्ते और बोले चलो इसमें खाओ ये बहुत टेस्टी लगेगा। सारे फुचका और उसका पानी वगैरह हम लोग डाल लिए थे लेके इस तरह से हम लोग नीचे बैठ गए थे। आज दस्तरखान हम लोग नहीं बिछाए, डायरेक्ट वैसे ही बैठ गए थे क्योंकि हम लोग को ना जल्दी से खाना था। क्यों खाना था जल्दी क्यों वो बताऊंगी मैं आपको आगे की वीडियो में। तो इसी तरह हम लोगों ने एंजॉय किया, पहले हम लोग ऊपर गए, ऊपर से ही हम लोग फुचका वाले को देख लिए थे तो हम लोग बोले कि अब इसके बाद फुचका खाएंगे हम लोग। और यहाँ पर बहुत हंसी मजाक करती हम लोग को, ऐसे ही हंसी मजाक करते करते कब टाइम बीत जाता पता नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी बिकॉज मुझे सुबह से ना बहुत सारे पार्सल आए हुए थे, मैं ना उसे खोल कर देखी नहीं थी कि क्या क्या पार्सल आए। तो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट और माइक लैब की तरफ से कुछ कुछ पार्सल मुझे रिसीव हुए थे, ये कुछ छोटू छोटू सा प्रोडक्ट है जिसका मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी इंस्टाग्राम में। जी हाँ ये इंस्टाग्राम के लिए मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आई थी तो यही प्रोडक्ट्स के लिए मैं बेकरार थी कि क्या आया है एक बार खोलकर देख लेती हूँ। तो या और ये मेरा पर्सनल परचेज है और ये मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट करूँगी इसलिए मैंने इसे परचेज किया। तो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, तो हम लोगों ने बड़ा ब्लॉग शूट नहीं किया। तो चलो गाइस सब बोल दो बाय ब्लॉग पे, बाय बाय।